हेलो दोस्तों, सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज हम आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की जर्नी लेकर जाएंगे। चलिए चलते हैं ये वर्चुअल जर्नी के साथ सागर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सागर की वर्चुअल जर्नी पूरी ग्रीन और बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव आपको लगने वाली है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये है हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट सागर, और हम अभी जा रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। भी हम सागर में हैं, मध्य प्रदेश में। तो आप सागर रेलवे स्टेशन से कैसे पहुंच सकते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, इसको चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये देखिए कितना अच्छा मनोरम व्यू है सागर का। डॉक्टर हरि सिंह गौर जो थे वही सागर विश्वविद्यालय बनाए थे। वो विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जैसे बना हुआ है। और ये कुछ क्लिम्स हैं सागर के, और ये कुछ वीडियो। और बहुत ही अच्छा रोड था, बहुत ही अच्छी जर्नी थी, काफ़ी अच्छा लगा सागर में जाकर। तो चलिए चलते हैं सागर यूनिवर्सिटी। तो आपको ये स्क्वायर पासी भी आप, तो आप सागर रेलवे स्टेशन पर आके जिसका स्टेशन कोड है SGU, और वहाँ से सिविल लाइंस के लिए पकड़ेंगे ऑटो रिक्शा या शेयर ऑटो रिक्शा बस आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको साई मंदिर ऐसे और डॉक्टर हरि सिंह गौर वाले, ये साई मंदिर सिविल लाइंस में है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ये रोड है उसमें हम लोग को जाना है। उसके बाद ये हम लोग को सागर विश्वविद्यालय मिलेगा, बहुत ही अच्छा। और ये विश्वविद्यालय पहाड़ पर है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे साइड में पेट्रोल पंप भी है, अगर चाहें तो आप पेट्रोल पंप पेट्रोल ले सकते हैं। और MP की बहुत ही अच्छी रोड है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। और देखिए यहाँ पर स्टेट फॉरेंसिक लैब है सागर की। ये श्रीमती राजमाता सिंधिया गोल्डन जुबली हॉल है सागर में, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा है। वेलकम टू सागर यूनिवर्सिटी। ये है गौर बप्पा का स्टैचू जो आपको दिख रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी है सागर विश्वविद्यालय का, बहुत ही इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी। और ये हम ये गौर समाधि है, और हम यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गए हैं। आज आप क्या जानते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती है, इसीलिए हम आपके लिए एक नया सा वीडियो लेकर आए हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर या को जियोग्राफी डिपार्टमेंट पीछे छुटा, ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इस यूनिवर्सिटी में एक जूलॉजिकल पार्क भी है, ये अप्लाइड जियोलॉजी की डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं। और ये हमको एक छोटा सा किस्सा पपी दिख गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, एक इसमें केमिस्ट्री के लिए क्लासेस चलती हैं, आपको डिपार्टमेंट बदलना पड़ेगा आने के लिए, क्लासेस करने के लिए। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बॉटनी जियोलॉजी फॉरेंसिक साइंस अप्लाइड जियोलॉजी जियोलॉजी जियोग्राफी बहुत सारी डिपार्टमेंट जो जो मुझे आ जा रही है आपको हम बता दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, हरि सिंह गौर जो थे बहुत ही एक होनहार छात्र थे। उन्होंने कक्षा पाँचवीं से दो साल में ही आठवीं पास कर लिया, और वो जबलपुर के हाई स्कूल में पहुंचे, लेकिन वहां पे किसी मुकदमे की वजह से वो फेल हो गए। लेकिन फिर दो साल बाद उनके भाई उनको ले गए जबलपुर, तो उन्होंने ना कि बल्कि स्टेट में पूरे राज्य में पूरे प्रांत में नंबर वन पर आए थे। उनको वहाँ पर 50 रुपये की घड़ी मिली चांदी की, उसके बाद 20 रुपये का उनको
छात्रवृत्ति मिला। उसके बाद अध्ययन करने के लिए डॉक्टर हरि सिंह और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की बहुत ही, और अपनी जितनी भी पूंजी थी उनसे भारत आकर गौर बप्पा ने हमारा ये कॉलेज का निर्माण किया। ये डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी का मानव विज्ञान का डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन बहुत अच्छा है। अगर आप आते हैं ये मतलब यहाँ पे मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है कि स्टूडेंट के लोग सिर्फ आ सकते थे, सभी भी लोग गाड़ी व्हीकल के लिए आपके लिए न्यू लेक्चर कम्प्लेक्स 5 में बना है। नर्सिटी का पुराना वाला ही नया वाला इधर है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है। यहाँ पे UG, PG, PhD तक की पढ़ाई होती है, रिसर्च की पढ़ाई होती है। यहाँ पे हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल दोनों अलग अलग है। ये रोड कैंटीन की तरफ जाता है, कॉफ़ी शॉप की तरफ वो रोड जाता है, ये लाइब्रेरी की तरफ रोड जाता है। ये रोड टूवर्ड डॉक्टर हरि सिंह गौर स्क्वायर जो है, वहाँ पे स्टैचू था, वहाँ पर जाता है। तो चलिए चलते हैं आपकी ये वर्चुअल जर्नी, कैसे वर्चुअल जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करना। सेंट्रल ऑफिस से यहाँ से ही आपके सारे कागज पत्र वाले सब काम होंगे, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसका एडमिशन बहुत ही मतलब इसका मेरिट बहुत ही मतलब हाई नहीं जाता, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे कॉमर्स सेक्शन है, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, कॉमर्स पार्क है। यहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट में छोटा सा तो नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पार्क आपको बैठने के लिए धूप में मिल जाएगा। धूप में आप पार्क में बैठकर बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, धूप में दुकान लेकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये जो पार्क आपको अभी खाली दिख रहा है, धूप में अभी इस टाइम तो भरा हुआ है, और आप यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा हमारा सागर, और ये हमारा सागर विश्वविद्यालय। अगर हम सागर की पूरी बात से बताएं तो सागर में गागर जैसे भरने वाली बात हो जाएंगी। तो अभी हम चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी के फेवरेट प्लेस पे, जहाँ पे हम राधिका ऑनलाइन शॉप पर जाएंगे, जो हमको प्रियांशी दीदी जो उनका यूट्यूब चैनल है प्रियांशी जैन के नाम से, जिसकी वो अपडेट देती रहती है, वहाँ से ये हमारा कैंटीन कपड़ा टाइप का कुछ है। ये राधिका ऑनलाइन शॉप है, जो यहाँ से यूनिवर्सिटी की हर काम होती है। हेलो अंकल, ये डॉक्टर हरि सिंह गौर की लिखी हुई पुस्तक है, जो पहले इंग्लिश में लिखी गई थी, 7 लाइफ हाथ में कथा, इसको फिर एक पत्रकार ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। ये स्कूल ऑफ एजुकेशन था, ये स्कूल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था,